राम राम भाई, सारे भाइयों ने आज अपना 23 तारीख है, एक सुते उठे हैं। टाइम की हो रहा बाबा? 7:30 का टाइम हो रहा है भाई, सुते उठे हैं। चलेंगे रायपुर, गाड़ी स्टार्ट करिए। पापा चले भाई, ट्रांसपोर्ट पापा चाहिए भाई। लोडिंग राडिंग का देखें, माल मूड के बनेगा के नहीं बनेगा। ले भाई पापा वेट लिए सीट पे, पापा चलेंगे। और आई पुपु दे भाई बाईपास पे चल रहे हैं। हेलो भाई, ट्रांसपोर्ट के पास पहुंच गया अपना। आड़ कांड पापा आना दे आंटी। हाँ भीतर चल। मतलब टायर अलग लगा रखी है, टायर चेंज करवाने हैं अपने। ये पिछले जोड़े अल्टा पल्टी करवाओगे भाई, विशाई को सुई ज्यादा खा रहे हैं तो अपना अल्टा पल्टी कराओगे भाई। वह चेक लगावांगे, जाके लठा गई टायर पल्टी मरवाओगे भाई। जैक लगा दिए भाई, नट खोल लाग रहे हैं, अकड़ रहे हैं, जाडे में नट भी खोल के नहीं दे रहे। लाग तो रहा भाई, खोल गिलास में ला।
जाने दिए उन्हें चाय बोल दे जाए। जाम दिन होता करो जी अगर और सास अजकल पड़ा है खड़ी घाटी में मेरा पानी लग जाए और परोड़े पकड़ बना लेना।
बस चारू जोड़े अपने हैं हो गया, मतलब उल्टा पलटी कर दिया अपन। अब आप चेक करवा लिए अगले चार जोड़े की। अरे अपना खलीफा स्पीडो से। अच्छा जी करीब टाइम हो गया भाई, अपन ने टायर टूर पलटी करवाई। हरी बार तो चलेंगे अपन राजनंद गाँव चलेंगे भाई, 70-75 किलोमीटर पड़ेगा। रोड तो लोडिंग हो गई अपनी। टीवन चौक पर भाई फिलहाल जाम लगे रहा भाई, चौक पर बनने लग रहा है। बताइयो बड़े पाछ प्रोग्राम ठीक हो जाएगा अपना, ये तो सारी जान जाम लगे रहा वाड़े। जब इंजन का तेल कम कर रही है गाड़ी, तो अपना एजेंसी में पूछे हैं रायपुर, चेक कराऊंगे एक बार। ले भाई कंपनी के अंदर का ले ले, देखेंगे अंदर ले आएंगे गाड़ी और फिर चेक कराऊंगे के रहोगा के नहीं रहोगा। ले अंदर ले। एक के करीब टाइम हो गया है, टिप्पर मंगवाए हैं आज पापा ने। ले ऊपर पकड़ा पापा, भूख लग रही है। एजेंसी मारे नहीं भाई, तेल तूल ठंडा होगा भाई, तेल चेक कराना है। तेल ताल ठंडा होगा जब जाके तो तेल चेक करेंगे। इतना लोडिंग भी कैंसिल हो गई अपनी। बिलाई थे ना, बिलाई आड़ी तो लोडिंग भी कैंसिल होगी भाई। रोटी रोटी खान लग रहा, पर बाकी आड़ तक काम करवा के लेकर आएंगे। उसके बाद का जो आगे जो भी होगा बाद में मेरा लगेगा। एक बार रोटी खा गए और आड़ तक काम करवा के निपटना है बस। 12 बजे से खड़ा हूँ भाई एजेंसी में, मतलब तेल चेक करवाना है उसका, और बोल रहे हैं अभी रुकना पड़ेगा। 2 के करीब टाइम होने वाला है, देखो भी अब कितनी देर और रुकना पड़ेगा। बात करें भाई पापा, कर बात कर, पूछना कितनी देर रुकना पड़ेगा। ग्यारह बजे से खड़े बनाना। आप कर रहे हैं, मना किया बात कर रहे हैं, आप ही कर रहे हो। काम करने के लिए 11 बजे आया था मैं। मेरी सुनो सर, मेरी सुनो एक बार सर, मना किया काम करने, मना ही कर रहे हो आप। एक तेल चेक करवाना मेरे को, ठीक है? कितने घंटे बैठे हैं, बात कर लीजिए। कितने घंटे अंदर है, बात कर लीजिए। हेलो ले भाई, यो रिस्पॉन्स है। चल कोई नहीं, आगे बैठ जिस तक बैठना, चल कोई चक्कर नहीं, जिधर चल रहा रहो। हाँ भाई ब्लॉग बनाता हूँ मैं, यूट्यूब पे डालता हूँ, ठीक है? सीधी सी बात है, मैं तो बनाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा। जो मेरा प्रोसेस है वो दिखाता रहता हूँ भाई, क्या है क्या नहीं। नहीं नहीं आप करो, हाँ। ना कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। चल खाली है नहीं है, हाँ हाँ तो समझ में आएगा। एक ऑयल ही चेक करवाना भाई मेरे को, और कुछ ज्यादा ऑयल चेक करवाना बस, ओनली उसके कुछ नहीं, पूरा करवाना है, ठीक है? इतना बड़ा काम नहीं है भाई, कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस 11 बजे आए थे भाई, सिस्टम से सुनना पहले।
पहले क्या होगा, आपका वही कितना काम है, कहाँ जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, पूरा टोटल खोल के देखना पड़ेगा। 5 मिनट में तो काम नहीं है, 5 मिनट का काम है क्या, बोलिए ना। आपको पूरा एरिया मेरे को क्लियर देखना पड़ेगा कि किस एरिया में जा रहा है। ऑयल तो कम हो रहा है ना आपका, ऑयल कम हो रहा है तो जा कहाँ रहा है वो तो देखना पड़ेगा। टाइम लगेगा सर, मैं आपको टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा काम के लिए मना कर रहा हूँ। गाड़ी जो आई है दो दिन खड़ी रखो, कौन बोल रहा 2 दिन खड़ा, आप अपने से बोल लोगे 2 दिन खड़ा करने के लिए। आपको ना कोई टाइम बोल रहा है कि इतना टाइम में करेंगे, जैसे लड़का फ्री होगा वैसे करेंगे, ये वो आपको कोई डायरेक्टली मना नहीं कर रहा है, आपको कोई डायरेक्टली मना नहीं कर रहा ना, उसको मना कर रहा ना आपको कोई मना कर रहा, लड़के फ्री होने दीजिए, आपके बाद उसका काम हो जाएगा। देख लो भाई ये प्रोसेस है अभी भारत बेंच कंपनी का, 11 बजे तेल चेक करवाना ओनली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तेल मेरी गाड़ी का लग नहीं रहा है, किस्त बाद में किंग किस्त मिलूँ यो है वो खड़ा होगा वो है हुआ और है कोई तो इसके पीछे दे रोटिया के रोटिया पीछे दे चल काट गाड़ी ना पीछे देना कर पूछ तो ना गाड़ी लेकर जाओ इसकी तरफ ना देखो सर इनसे बात करो ये तो ब्लॉग है सर शुरू में आप लगे थे हमारी गाड़ी को तो आपने 5 मिनट शुरू में 5 मिनट बोला फिर 5 मिनट बोला अब बोल रहा है टाइम लगेगा एक ऑयल चेक करवाना हमें ज्यादा कुछ नहीं है आप मिलवाओ एक बार चलो ना तो है, बात वो तो बात कर ही नहीं रहे अच्छे से ना, बात कीजिए ना उनसे वही कराएंगे तो हम गाड़ी लेके जाएं मैं अभी नया हूँ यहाँ मेरे को आइडिया नहीं है जो भी है वो बताएंगे तो हमारी गाड़ी आपके अंडर में या उनके अंडर में ये बताओ आपकी गाड़ी किसी के अंडर में नहीं है मतलब कोई आप आए थे शुरू में आपने करा था जो भी करा था मतलब फोटो फाटो लिए थे जो भी बोले थे आप कि मैं 5 मिनट में 10 मिनट में कर रहा हूँ आपने ही बोला था और तो कोई आया नहीं था मेरे पास तो भैया आपकी गाड़ी तो है वो तो बोले ना आपकी गाड़ी को कर देंगे लेकिन समय लगेगा बोले है ना वो तो करवा देंगे ना हाइपर हो रहा बताइए हाइपर होना पड़ता है यार तो वेट कीजिए ना ऐसे बोले कितना वेट करेंगे ये तो बता दो कितना वेट करें यही तो बता दो अच्छा देखो सर्विस मैनेजर के पास जाएंगे छोटा सा काम है और इतनी देर हो गए खड़े हैं पैकेज कुछ नहीं हो रहा बस चेक किया था हमने सवेरे आज लग नहीं रहा तो इसलिए चेक करा रहे हैं अभी आ गया भाई मिस्त्री अभी करेंगे चेक क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कम से कम 1.5-2 घंटे तो हो गया होगा और 2-2.5 घंटे तो हो गए सवेरे का चेक किया था अभी कैबिन उठाएंगे भाई अभी देख तो मतलब देखेंगे क्या प्रोसेस रहेगा क्या नहीं रहेगा बस मतलब ऑयल कम दिखा रही है हमें तो इतना ही पता है बस लो भाई 2 लीटर अपना उस तक लगवा गए और अब यहाँ से चल पड़े अभी लोडिंग के लिए जाएंगे भाई उरला यही उसमें आया रायपुर में वो लोडिंग कैंसिल हो गई थी भाई अपनी उरला जाना अपन वापसी अब रायपुर में ही हाँ फिलहाल तक ये उरला जाऊँ भाई लोडिंग के लिए टाइम हो रहा भाई एंट्री कराने जान ला रहा हूँ कंपनी में एंट्री करा दी थी अंदर ले ला रहे अपनी गाड़ी खाली गाड़ी का काटा करवा रहे हैं भाई अंदर हो गए हैं कंपनी के क्योंकि 4 के करीब टाइम हो गया भाई गाड़ी अपनी लागी है लोडिंग होने के करीब टाइम हो रहा भाई गाड़ी अपनी लाग रही है लोड होने इतना आप अपना खाने पीने की तैयारी कराएं भाई मतलब खाना पीना बढ़ाओगे
फिर अपना चलो चल रहना आपने, एक बार चले बचा करो क्या नहीं करते फिर भाई, टारगेट सीधी बात है हर बार। तो अपना खाना बना ला रहे भाई फिलहाल, तो भाई अपना किचन कर लिया अपन स्टार्ट। लिबाज बनाओगे आलू मटर प्याज टमाटर छोक दिए हैं, लो भाई सब्जी अपनी ऑनलाइन दी तैयार, इतना आटा गुथे हैं फिर उसके बाद रोटी। लो भाई खाना खुना अपना रेडी हो गया, बेड ना रेडी कर देंगे उल्टा। लो भाई अपना बेड बुड सेट करके अच्छा प्रोग्राम देख लूँगी क्यों होगा कि नहीं होगा, बाकी रेडी हो गया अपना प्रोग्राम, खाने पीने का भी रेडी हो गया, खाना रह गया गाड़ी लोड करवानी रेडी भाई, अपन पीछे देखेंगे भाई कि चल रहा है पीछे पीछे चलेंगे कहाँ गए हमारे जूत ले रहे भाई, तो ही चलेंगे पीछे पीछा प्रोग्राम देखेंगे भाई। लोडिंग 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 हो रही है इतना तो हमें पता है, जल्दी हो जाएगी भाई थोड़ी रह गई। लो गाड़ी अपनी होगी लोड भरी हुआ कांडा करा लग रहे हैं, उसके बाद अपना रस्से तरपाल करांगे।
खा दू बंदे। हेलो 8 बज गए, तरपाल तरपूल अपने हो गए रेडी, बाकी पीछे तोड़ दिखा दू हमने। ले भाई फिट हो गया प्रोग्राम, तो एक कागज कूप चाहिए देखा है कोड बके में लगा। ले पापा हाथ धो ले, आ जाइए ना फिर कराएं शट आराम तो बैठ के। ले तू हाथ धो, हाथ धो ले हाथ, ले हाथ धो ले हाथ। ले पानी पी ले, बुरा हाल हो रहा है। ले पकड़ पानी पी ले, जब मेरे भी हाथ बुरा हाल हो रहे हैं, जब हाथ दूध धोगाऊंगा बुरा हाल हो रहा है। हाथ दूध कदी हाथ दूध हो गया, रोटी राटी खावा भाई। अड़का कर देखो जी कोड़ पे के मिलेंगे, अड़का के चाहिए की करो भाई, जाकर पता करूंगा, जाकर पता करेगा कब चाहिए। अच्छा तीन का लगा कि तीन का पानी पूछ की है, वो पीण का है ओड़ा यू ना यू देख पर आ तो का ये तीन का नहीं, पीण का आड़ तो कौन भर के लंदा मैं। लो गाड़ी लोड होगी, रस्से तरपाल हो गए, मैं खाऊंगा बड़ा रोटी रखा गया, फिर रस्से पर काटना मैंने। पापा ने तो भाई पैक दो लगाने हैं, फिर आराम तक खाओ रोटी ठीक है, रोटी रोटी खा गया और फिर चलेंगे भाई। ले पूरे से 8:30 का टाइम हो गया है, पर कंपनी में तो बाहर लगेंगे कागज को कुछ अपना मिल गया सारा सौदा, मतलब गेट पर है अपने कागज। ले कागज को कुछ मिल लिया अपने गेट पर है, ये अपना गेट है और ये अपनी कंपनी है भाई। पापा चलेंगे भाई, अपना रूटर होगा सीधा सिग्मा, ओके नाम था पापा सिमगा, सिमगा ऐसा ही कुछ नाम है भाई। बाकी जबलपुर होगा भाई, जबलपुर देखो, जबलपुर तो ही देखो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। चिल्पी घाटी होगा और अपना ही चल पड़े बस, आठ तक कहने का मतलब ये है भाई। जो भाई रायपुर तक निकल लिया वहाँ बिलासपुर अपने टायर पलटी मारे भाई, गणे ज्यादा खा रही थी इसलिए अपना पतले जोड़े हैं, तकरीबन अपन पलटी मार दी है। तो अपना देख डाक है और फिर अपना ओवर कीतांगे भाई। ए भाई बिल्ली और तोड़ा में लकड़ का ही गाड़ी देखे बदे लग गई, देख चल देख है ना, देखे पर मैं देख क्या भाई बन रही थी इसमें और रनू को लगा पापा हवा बन रही है फिर उसमें तेल
ਐ ਤੇਲ ਤੇਲ ਕੋਨੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ टूर चेक करके अरे चल पड़े हैं भाई सिमगा शहर सिमगा इस साइड क्रैंक साइड मुड़ना भाई बाबा ने Turn left onto Singa, Kavandha Road. ਰਹਿ ਗਰੀਬ ਟੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚਲ ਪੀ ਆਪਣਾ 45 ਮੰਡਲਾ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 11 ਵਜ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਘਾਟ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ 12 ਵਜ ਗਏ ਹੈ 8 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਜੋ ਪੀ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤਾਪਾ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਗੇ ਸਾਈਡ ਮੈਂ चाय ली आए अपनी चलते चलते पी लेंगे अपना भी चिल्पी वाला गाट स्टार्ट हो गया अड़ते भाई 2 बज गए हैं अपना दसमेश वाला होटल आ गया अड़ चाय चुए पीवेंगे और फिर चलेंगे भाई लोग चाय पीने चाहोंगे अपना चाचा की गाड़ी ये लिया रही है ये अपना सिद्धू ट्रांसपोर्ट कंपनी चाचा चाह चू पी लिया फिर है सुस्ती चढ़ रही थी मैं थोड़ी चाय पी लिया टायर टूर चेक कर लें मखा ठंड मन लाग रही तन्ने भी लाग गए चाचा ठंड मन ठंड नहीं लाग रही कलीफा मानस तू तन्ने कड़ा ठंड लाग भीतर बैठे रहो फिर गर्मी लागन लग जाए है हाँ करेंगे जबलपुर की टेंशन ले रहे तो वो चाय चुए पी ली अपनी अरे चलेंगे उल्टे रूट पे जबलपुर तकरीबन टारगेट रहेगा तेल लेना एक बचाचा बने 5-6 मिनट लाऊंगा फिर खींचो खींच रखा है ठीक है तेल और लेना है 10-15 हज़ार का जो लेना है 15 हज़ार का डीजल डलवान ला रहे हैं कर भाई चालू रे जीरो देख ली कर दे हाँ चल और भाई कौन सी जगह है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट मेड़ा ताल पड़ता है मेड़ा ताल अच्छा नाम पंप का नाम क्या है एमएस देवगोपाल पेट्रोलियम डीजल डलवान ला रहे भाई 15 हज़ार का डीजल डलवाऊंगे भाड़ा पा फिर उसके बाद चलेंगे भाई जबलपुर पार करना पा नहीं तो सवेरे तक हाँ 8907 15 हज़ार का डीजल हो गया भाई अपना ये निकाल दो निकालते हो तो ना तो रहन दो यार फोटो खींच लिया मैंने टंकी कर दी अपन बंद थैंक यू भाई भाई यार टूटे का चक्कर रहते हैं सवेरे मतलब अपन गाड़ी खींच कर रखनी है जबलपुर तक देखो चल पड़े हट दे खिड़की कर ले बंद
जबलपुर रह रहा भाई अपना 111 चंद्राई टोंच मंजानी बाईपास रोड। तो भाई 5 के करीब टाइम हो गया है, अजीब आ गया अपन नींद भाई। कोलकाता जबलपुर पहुंच लिया वा। सारे भाई अपना ब्लॉग ने देख लियो भाई, सपोर्ट कर दियो। आज तो पूरा दिन कदे टायर कदे लोडिंग कदे खाना और कदे सफर भैयो ही रहा है आज। और बाकी तम देख लियो कि मतलब कित के होया यार कित के नहीं होया है। तो राम राम है सारे भाई, नींद में हो रहा हूँ भाई, बिछड़े रहा हूँ बस कुछ सोना मुश्किल तो बोलने आ रहा हूँ। तो गुड नाइट भाई सवेरे वाली याद है।